नमस्ते फ्रेंड, आशा है आप सभी लोग अच्छी तरह से होंगे। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से ओल्ड पेंशन के बारे में चर्चा चल रही है और अभी पिछले संडे को दिल्ली में ओल्ड पेंशन के लिए पेंशन शंखनाद रैली भी आयोजित किया गया और डिफरेंट स्टेट से राज कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी यानी केंद्रीय गवर्नमेंट के और शिक्षक, डॉक्टर्स, बहुत लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट लिया और दे डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर द ओल्ड पेंशन। हम एनपीएस की बात भी करते हैं, लेकिन एनपीएस में कुछ ऐसी कमियां हैं जिससे हमारे जीवन यापन पर असर पड़ता है और पिछले कुछ दिनों में कुछ स्टेट्स ने, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल और लास्ट में अभी रिसेंटली इस इलेक्शन के, विधानसभा इलेक्शन के बाद हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको लागू किया और वहां पे श्री चित्राम शास्त्री, एक हमारे जो कर्मचारी थे, उनको जब पेंशन मिला ओल्ड पेंशन, तो उनके खुशी की सीमा न रही। ओल्ड पेंशन 36,850 रुपए का मैसेज मिलते ही गदगद हुए रिटायर्ड चित्राम शास्त्री और एनपीएस में उनको मिलता था 1700 रुपए। चित्राम शास्त्री ने बताया कि जब वो सेवानिवृत्त हुए थे तो उनका वेतन 57,000 रुपए था। न्यू पेंशन स्कीम में होने पर केवल 1770 रुपए पेंशन से गुजारा करना मुश्किल होता था। पुरानी पेंशन मिलनी शुरू होने से अब उन्हें बुढ़ापे की चिंता नहीं रही। हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो गया और मंडी जिले के रिटायर चित्राम शास्त्री को मंगलवार को, इसलिए जैसे ही मोबाइल पर बैंक खाते में पेंशन के 36,850 रुपए आने का मैसेज आया तो उनका पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। परिवार ने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को धन्यवाद किया और कहा कि मुख्यमंत्री ने जो वादा किया था वह पूरा किया। जिले के पहले न्यू पेंशन स्कीम से पुरानी स्कीम के अंतर्गत आने वाले चित्राम शास्त्री शिक्षा विभाग से शास्त्री के पद पर 13 साल 10 महीने और 22 दिन सेवाएं देने के उपरांत 31 जुलाई 2017 में रिटायर हुए थे और न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत उन्हें पिछले 6 साल से केवल 1,770 रुपए मासिक पेंशन के तौर पर मिलते थे। वहीं अब पुरानी पेंशन की स्कीम आने के बाद उनको मासिक पेंशन 36,850 रुपया मिलना शुरू हो गया। उनका कहना था कि अब मुझे बुढ़ापे की चिंता नहीं रही और अब हम ठीक से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। कितना फर्क है अब बुढ़ापे में आपके जीवन यापन के लिए, जिस विभाग में आपने काम किया, जिस सरकार के अंतर्गत काम किया, अगर वो आपका ख्याल नहीं रखेगा तो आपका ख्याल कौन रखेगा। 1770 रुपए और 36,850 रुपए, एक सम्मानित जीवन जीने के लिए पेंशन ओल्ड सिटीजन्स का हक है, राइट है और उसे सरकार को किसी प्रकार से नकारने की जरूरत नहीं है। हाँ, यह सच है कि अगर विरोधी पार्टियां ओल्ड पेंशन स्कीम को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेंगी तो रूलिंग पार्टी के लिए बड़े कठिन दिन हो जाएंगे। सो अभी भी समय है, हमारे उन पेंशनधारियों को, उन रिटायरीज को आप कन्वर्ट करिए ओल्ड पेंशन स्कीम में। हालांकि केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई है और उस केंद्र सरकार के मौजूदा पेंशन सिस्टम की समीक्षा के लिए कमेटी गठित की गई है। 4 सदस्यीय इस कमेटी को अगुवाई वित्त सचिव टीवी सोमनाथन कर रहे हैं। कमेटी बताएगी कि क्या मौजूदा एनपीएस के स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क में किसी बदलाव की आवश्यकता है या नहीं है। आप कुछ भी बदलाव कर लें, इससे फायदा रिटायरीज को नहीं होने वाला है। सो ओल्ड पेंशन जो टेस्टेड है और हमारे साथियों के लिए, हमारे रिटायर्ड साथियों के लिए एक जीवन यापन का एक जरिया है, अम्ब्रेला है उनके लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।